हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू और सक्सेस चैनल में। आज मैं आपको नंबर सीरीज जो कि प्रीलिम्स एग्जाम में 5 मार्क्स से पक्के है कि आते ही हैं, जिसमें मिसिंग नंबर सीरीज या तो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अप्रोच देखना होता है। ठीक है, कि हमारी अप्रोच क्या है, हम कैसे अप्रोच करते हैं, और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट ऐड ये भी हमारा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर सकते हैं कम समय में इस क्वेश्चन को नंबर सीरीज को ईजिली कर पाते। ठीक है, तो आप पर डे आप क्या करो, मल्टीप्लीकेशन, डिविजिबल, एड, सब्ट्रैक्ट ये सारे क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस करो, और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सारे क्वेश्चन पर डे 20 क्वेश्चन पर डे आप लगाया करो इन सब से। ठीक है ना, यदि आप हमारे टू डू लिस्ट में आपको IBPS RRB PU एंड क्लर्क के लिए आपको टू डू लिस्ट पर डे दे रही हूँ, ठीक है, जो कि आपको हर डे का एक मॉर्निंग में स्ट्रक्चर मिलता है कि आपको पूरे डे कैसे परफॉर्म करना है, आप पूरे डे कैसे यूटिलाइज कर सकती हो अच्छे से अपने टाइम को, वो मैंने आपको मॉर्निंग में टू डू लिस्ट देती हूँ पर डे, जिससे कि आप उस पर डे यदि आप उस टू डू लिस्ट को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलते हैं ना प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाती, तो वो 4 चांद लग जाएगी आपकी प्रिपरेशन में यदि आप उस टू डू लिस्ट को फॉलो करते हो। वो टू डू लिस्ट ऐसा है ना जिसमें प्री से लेके मेंस तक की प्रिपरेशन आपको साथ में ही होती है। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक का मैं डिजाइन करके देती हूँ आपको पर डे, कि आपको प्री से लेके मेंस तक की प्रिपरेशन साथ में आप आराम से कर रहे हो। ठीक है, तो आप यदि नहीं देख रहे हो टू डू लिस्ट को तो एक बार प्ले लिस्ट में जाओ, वहां से टू डू लिस्ट आप देखना स्टार्ट करो और फॉलो करना स्टार्ट कर दो, डेफिनेटली आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। चलिए हम नंबर सीरीज पर चलते हैं और देखते हैं आज का नंबर सीरीज इसमें क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये हमारी नंबर सीरीज है। ठीक है, नंबर सीरीज हम कैसे समझते हैं कि कौन से में ऐड होता है, कौन से में डिवाइड है, किस में मल्टीप्लाई, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एक गैपिंग होती है ना नंबर पे, इस पे डिपेंड करता है। आप इसमें सिंपल आप इसमें क्या गैप देख रहे हो, आपको इसमें दिख रहा है कि बहुत कम कम नंबर से मार्जिन में गैप है। ठीक है, और जब ज़्यादा नंबर में गैप होती है तो उसमें क्या होता है कि हम समझते हैं कि ये मल्टीप्लाई का है, लेकिन इसमें कम नंबर है तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ऐड का है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ऐड होगा, डिक्रीज होता तो सब टैप्स हम समझते हैं, लेकिन ये तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखो 32 और 49 के बीच में कितना है, 2 8 8 9 16 1 17 ये 17 का है, प्लस का है। उसके बाद 49 से 75 ये कितना का है, प्लस का 26 है। 75 से तो ये कितना होगा, 25 और 12 कितना हो गया, 37, ये 37 प्लस का हो गया। उसके बाद 112 से 162 तो ये कितने का है, ये डायरेक्ट दिख रहा है प्लस का 50 है, तो प्लस का 50 हो जाएगा। अब हमें इस सीरीज से पता नहीं चल रहा है कि आगे हमारा क्या होगा, तो हम डबल डिफरेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए डबल डिफरेंस कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि 17 से 26 जा रहा है, तो 17 से 26 कैसे जाएगा, प्लस का 9 करेंगे तभी जाएगा। 26 से 37 जा रहा है, मीन्स इसमें प्लस का 11 हो रहा है तभी जा रहा है, और 37 से 50 जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कितना देख रहे हो, ये 3 और ये 1 मतलब 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और नंबर सीरीज जा रहा है, 9 11 13, मीन्स कि यहाँ पे 15 होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, 15 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे 65 लिख दो, अब ये ऐड होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह, अब दोनों को क्या करो ऐड कर दो, 5 2 7 6 6 12 और ये 2 2 27, आपका ये x की जगह पर 227 ये आपका आंसर आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें सबसे पहले इसमें जरूरी क्या होता है ना, आप ये देख पाओ कि सबसे इजीली आप किसको देख पा रहे हो। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो है ये मल्टीप्लाई का 1 है। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैं इसको इजीली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 12 2 24 1 25। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई का 2 जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई का 2 ये हो रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ देखो 17 से 8.5 या मीन्स आप क्या कह रहे हो कि 17 से
8.5 कह रहा है, मींस हाफ जा रहा है ना। 17 का हाफ क्या होता है, 8 होता है, 8.5 होता है ना। तो 8 जा रहा है, मींस ये 0.05 से ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 से है, ये 2 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट कितना से 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मींस यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, 0.2.5 इसका हो जाएगा। तो 25 दूनी क्या होता है, 50 होता है, हाफ एक क्या होगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 12 का 25 का हाफ कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, और उसके बाद 0.5 और इसका 2.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट। अगर 25.5 को करते तो 12.75 हो जाएगा। अब सिंपल इसको क्या करो, ऐड कर दो, 5.7.213 और 5.63.75 डी हमारा आंसर। एक तो ये हाफ करके और इसको डबल किए फिर हाफ किए तो 2.5 आ गया। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, हाफ आपसे नहीं हो पा रहा है, तो सिंपल आप इस तरीके से भी कर लो, 25.5 मल्टीप्लाई 2.5 करके आप इजीली इसको क्या करो, इस तरीके से कैंसिल आउट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा, फिर एक तो कैलकुलेशन कट करो, फिर जो नीचे में जो डिनोमिनेटर में कुछ रह जाएगा उससे फिर डिवाइड करो, तो फिर टाइम जाएगा ना। इससे अच्छा है कि आप हाफ करने की कोशिश करो, पॉइंट वाले को भी आप प्रैक्टिस करो, आपको हाफ करने भी उसको आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 11, 24 उसके बाद 75, आप क्या देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। मीन्स ये मल्टीप्लाई का सीरीज है, इसमें हम आराम से कह दे सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई का सीरीज है। तो चलो 11 दूनी क्या होता है, 22 होता है, मल्टीप्लाई का 2, लेकिन यहाँ 24 है, मीन्स कि 2 ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 25 तिया 75 होता है, तो मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 24 तिया क्या हो जाता है, तो 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 4 तिया 12, 3 दूना 6, ठीक है, 72 हो गया। और प्लस का 3 करते तो 75 हो जाता है। अब 75 में ये तो इसमें हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 क्या हो रहा है, तो 75 चौका कितना होता है, 75 दूना 150, 300 प्लस 4 304, सही है ये सीरीज। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि ये भी वही, जब यहाँ तक फॉलो कर रहा है तो ये भी होगा, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का 6 और प्लस का 6 हो जाएगा। तो 1525 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 6000 और 6 × 5 = 30, 6000 और ये 63, ठीक है, और 25 × 6 = 150, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो आपको करके दिखाती हूँ और कैसे होता, ठीक है। देखो 6000 हो गया और 6 × 5 = 30 और 25 × 6 = 150 हुआ 0519 91, और इसमें 50 और इसमें ऐड कितना हो जाएगा 6, तो 6519 आपका डी आंसर हो गया। आप इतना मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, राइट शोल्डर पर जाके। और एक आसान तरीका है कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट सबको इजीली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये ऑर्डरली भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, चलो हम पहले इधर से देखते हैं, जो छोटे नंबर होते हैं ना हम उससे जल्दी हम क्या करते हैं फाइंड कर पाते हैं। तो 6 × 5 = 30, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 5 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है, तो 5 के एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 4 × 5 = 20 का 0, कैरी 2, 5 × 20 = 20, 2 × 22 = 22, 6 × 5 = 32, ये 5 का मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ से ये देख रहे हैं, ये भी दिख रहा है कि ये 5 का मल्टीप्लाई है ना, 5 × 15, ठीक है, 15 ये हो गया, 5 × 2 = 10 ये हो गया, तो 16 × 61 ये हो गया। आई होप कि आपको ये भी क्लियर है। उसके बाद देखो आप इसमें क्या देख पा रहे हो, ये भी 5, तो इसको अगर 5 से करते तो क्या हो जाएगा, 5 × 5000 = 16 × 80, डायरेक्ट ये 5 का मल्टीप्लाई। तो अगर हमारी सीरीज लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है, अब तो हमको यहाँ पे निकालना है ना इसकी, इस एक्स की वैल्यू, ये वाट की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम यहाँ से यदि इधर जाते हैं, मीन्स हमारा डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो गया, तो इधर से यदि इधर राइट से यदि लेफ्ट गए मल्टीप्लाई है और लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड कर दो,
यदि राइट से लेफ्ट से यदि आप राइट जा रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट से लेफ्ट जाते समय आप क्या करो, डिवाइड को उसे अपोजिट कर देना है, ठीक है, साइन को अपोजिट कर देना है। तो 4 6 4 4 0 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 5 और 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 8 40, 12 88, ठीक है, 1288 हमारा ये एक्स के जगह पे आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। जैसे इस चीज को आप याद रखो, क्योंकि हम इधर से करेंगे कि कितना के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 की हमारा ये आएगा, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको जैसे सीरीज देखेंगे, राइट से लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है, जस्ट उसके साइन के अपोजिट करके आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो आप क्या दिख रहा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई दिख ही रहा है कि ये मल्टीप्लाई है। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2, 7 एक 7 प्लस 2 9 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लाई का 2 तो 9 दूनी 18 और माइनस का 3 करेंगे तो भी 15 होगा, ये भी चलो देख लेते हैं, देखते हैं क्या ऐसा ही सीरीज फॉलो हो रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 से कर लेते हैं, 15 या 45 और प्लस का 4 तो 49 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई प्लस का 2 एक बार, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई तो प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई 4 करेंगे प्लस बट माइनस का 5 कर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, देखो प्लस माइनस प्लस तो माइनस होगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो 49 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9 चौक 36, कैरी 3, 4 चौक 16, 16 और 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 हमें माइनस करना है तो माइनस का 5 इसमें माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 191 हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो गया। सच में यही सीरीज था, तो आप एक बार आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप क्रॉस चेक करने के लिए भी ऐसे कर सकते हो कि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का 5 और प्लस का 6 होगा, तो 191 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 5 45, कैरी 4 5 4 9, ठीक है, और इसमें ऐड कितना होगा, 6, तो 1 6 9 9 6 1 सही है। मतलब हम जो सीरीज बनाया है ये सीरीज हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बस यही चीज देखो, आपकी कितना ज्यादा आपके नंबर यदि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स आप समझ लो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड इसी का कोई लोचा है, यदि आपके नंबर जो कम नंबर से इंक्रीज हो रहे तो समझो एडिशन का है, कम नंबर से डिक्रीज हो रहे हैं मीन्स कि ये सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है ना। बस यही लॉजिक आपको फॉलो करना है, आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और आपको प्रैक्टिस यदि चाहिए, एक तो हमारी ज्ञान नीति आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड होते हैं जो कि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, और सेकेंड बात यह है कि हमारे ऐप पे आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप इस कोर्सेज के बारे में आप देखो, ये बैंक प्लस का कॉम्बो कोड कोर्स है, इसमें आपको प्री से लेके मेंस तक का, और ये बाई लैंग्वेज है, ठीक है, प्री से लेके मेंस तक का आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ई बुक मिलती है जो कुछ सिंप्लीफिकेशन के 500, आप जैसे नंबर सीरीज है ना इसके 500 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 500 प्लस, मतलब हर एक चैप्टर डीआई के आपको डिफरेंट डिफरेंट जितने भी टाइप होते हैं, पाई चार्ट, रडार, टेबल, सारे डीआई के आपको ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी साथ में ही मिल रहा है, और दोनों लैंग्वेज में। आप डेफिनेटली एक बार साइट पे जाओ और आप हमारे ऐप पे जाके एक बार वहाँ पे विजिट करो, यदि आपको यूजफुल लग रहा है ये कोर्स तो आप डेफिनेटली वहाँ से इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने रिव्यू आप कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।